ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर का प्रेम सहता है, परमेश्वर के प्रेम में धीरज है, परमेश्वर का प्रेम मौका देता है, परमेश्वर का प्रेम यदि किसी के अंदर है तो वो बलिदान हो जाता है, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। प्रेम के अंदर जो ईश्वर हमें करता है, डर नहीं होता, भय नहीं होता, मगर जिस सिद्ध प्रेम से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जिस सिद्ध प्रेम को परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, वो हर एक प्रकार के भय के माहौल को खत्म कर देता है। क्या आप डरे हुए हैं? परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर से हर एक डर को समाप्त कर देगा। यदि आप आपस में प्रेम रखें तो लोग जानेंगे कि आप यीशु मसीह के चेले हैं। संसार में ढेर सारे लोग अपनी प्रेमी प्रेमिका को प्यार करते हैं और उसके बाद वो माँ बाप से प्रेम नहीं करते और किसी से प्यार नहीं करते। मेरे जवानों, आप इन बातों को जानें, ये वो प्रेम नहीं है जो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम स्वार्थी नहीं है। आप सबसे प्रेम करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, यदि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है। इसलिए इस वचन के द्वारा आप अपने आप को जांचें, प्रभु के पास लौट आएं, ताकि वो आपको अपने महान प्रेम से भरे, ताकि आप अपने जीवन में आशीष पाएं।